है मेरा गांव का, मैंने ये अपने बचपन में गुजारा। शादी गुजारने के बाद मम्मी भी चलते थे, यही वो मंदिर था जहाँ मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे आशीर्वाद करें कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूं और एमएनसी में काम करूं। आज भगवान और अपने पापा मम्मी के आशीर्वाद से इतनी अच्छा कंपनी में काम कर रहा हूं। अब तू बता कैसा लगा मेरा गांव? सच बोलूं मेरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर की उन चार दीवारों से काफी गुना अच्छा है, जी तो करता है यही कहीं रह जाऊं। How are you doing? Good. Okay, as you know, your performance is not satisfactory based on our company, you know, expectations. So I'm really sorry. You know, we'd like to, you know, terminate you. But anyways, all the best for your future. Okay. So this is the letter which you can the HR letter. All the best for your future. Thank you so much. Thank you so much. एक जॉब छूटा दूसरा मिल जाता है। मैं तो एक साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ यार। जॉब तो मिलता है लेकिन सब में काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है यार। तुझे लेकिन जॉब तो मिल जाता है, हमारे बैच में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक खाली बैठे हैं। हे राज, कांग्रेट्स यार, ना तुझे जॉब भी लग गया। सही यार, बात भी हो जाए अब। हाँ राज, ये बात सुन के हम काफ़ी खुश हैं। कांग्रेट्स। थैंक यू। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। पता नहीं वो उसके करियर में कितने आगे तक बढ़ पाएगा और मेरे घर वाले उसे मानेंगे या नहीं। मैं खुद काफ़ी परेशान हूँ, पता नहीं क्या करूँ। तो उसे पूछते क्यों नहीं उसे कुछ तकलीफ है या नहीं, या कुछ ऐसी बातें कुछ छुपा रहा है? एक काम कर, उसके साथ जा मैं और कुछ ऐसी जो बातें वो नहीं बताएं। चल ये सब छोड़, कल शाम हम सब पार्टी चाहते हैं और एक बार फिर सारे दोस्त मिलकर मस्ती करते हैं। वीकेंड में ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ पार्टी और रिहा के साथ भी थोड़ा टाइम बिताना मेरा रेगुलर रूटीन बन गया था। यहाँ मैं अपना टेंशन को हल्का करने आता हूँ और कुछ पल के लिए सारे गम भूल जाता हूँ। कभी सोचता हूँ कि लाइफ में अगर कोई टेंशन ना हो तो कितना अच्छा होता। अरे ये का हुआ तो है आजकल लोचा वोचा कोई का तो मैनेजर साहब के साथ? अरे मैं जीत गया ये, इस बार और स्कोर बनाता हूँ। कुछ नहीं यार, बस वही जब घर के लिए निकल रहे थे तभी बॉस बोला एक और काम करके जा। थोड़ी देर में खाली बैठा रहा। अरे ये ले, हम का ले, हम बीए फेल है बीए के, और बड़ी आराम से अपनी जिंदगी बिता रही है। ना कोनो टेंशन पर, ना कोनो बोझ पर, बस दिन में कुछ कमा लेती और रतिया को दारू के साथ पान छपावत है पान। अबे अभी तू भी क्या ये शंभा से गेम्बा शेवा में पड़ा है? चल निकल बाहर। अरे भाई गेम में जो मजा है ना तू क्या जाने, तेरे लिए तो बस दारू और पानी काफी होते हैं। कल मैम ने मुझे बुलाया है उनके चैम्बर में, पता नहीं किस लिए।
समझ में नहीं आ रहा कुछ। अबे राज, अभी हम तो हर टेंशन वाला जलवा निकाल देते बात। ले हमरे साथ दारू पी दारू, और हाँ साथ में ही ले पान भी जमा पान। अभी अभी तुम्हें बच्चों की तरह के मशे मशे निकल बाहर, हाँ दारू पी हमरे साथ। अरे लगता है मैं ऑफिस में कुछ छोड़ के आया हूँ, कहीं तो इधर कहीं है सर। अबे बोल ना यार, तूने देखा? ए दीपक कभी कहाँ गए हो? शिट। हाय राज, हाउ आर यू? गुड। सो राज, दिस इज योर लिविंग लेटर। राज, आई ट्राइड माय बेस्ट टू बी फ्रेंडली, बट स्टिल आई कुडंट। यू हैव एनीथिंग टू से? I can only say I have given my best and I have confidence in myself. Anyway, thank you so much. Thank you. तो अभी निकल रहे हैं, चल चाय पीते हैं। आज वैसे मैं भी फ्री हूँ, मैंने सोचा सुबह से मीटिंग में कर रहा है। चल चल रहे हैं, तो चाय पी के चलते हैं। आज नहीं राज, कल 2 बजे कहीं स्टेशन पे मिलते हैं। कॉल कर लेना मुझे सुबह। बाय। मैं कल जा रही हूँ कनाडा मौसी के घर, तो अच्छे से मन लगा कर काम करना। मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, फेसबुक कॉलिंग है ना, तुझे जब भी याद आएगी मैं खुद कॉल कर लूँगी। और तू कभी कनाडा आए तो मुझे भूलना नहीं, मैं तेरी एक अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी। और हाँ, दिवाली में मैं फिर इंडिया आ रही हूँ, तब फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रख। चल अब थोड़ी स्माइल दे दे, आखिर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू भी जा रही है, थोड़े दिन और रुक जाती। मुझे तो यहाँ पर खुल के किसी के साथ बात करने वाली कोई नहीं है, बस तू ही थी जो मेरे इतनी करीब थी। पर तो यार ऑफिस के काम में भी कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ काम तो होता नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स। वो जो रूपेश था ना हमारे लिए, उसको भी काम से निकल दिया मैनेजर, बस उसका गलती यही था कि वो जल्दी काम खत्म करके निकल जाता था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो खुद से ही डर लगने लगा, अब तो तू भी नहीं रहेगी, बस यही जाओ का टेंशन। राजा तो यहाँ कैसे? अच्छा आशी कितनी बनावट हो का? अरे रिया मेम साहब कैसे हो, बहुत दिनों बाद हम तो हार को देखत का लागत हो बा। वा, 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 वा। चलो हम आओ को बस पकड़ ली है, फिर कब हम मिलेंगे? टाटा बाय बाय। जिंदगी के सारे पल न जाने कैसे गुजर गए, बचपन में मम्मी और पापा नहीं रहे, पढ़ाई करके जब अच्छा जॉब लगा वो भी नसीब में मिला नहीं। अब सोचता हूँ कैसा बाकी जिंदगी गुजारो, कहाँ जाओ क्या करो, रास्ते दूर दूर तक नजर आते हैं, लेकिन सही रास्ते कौन सा लो, यूँ ही लगता है जिंदगी बीत जाएगी। कोई अच्छी जॉब की तलाश में IT में करो या IT इंडस्ट्री से बाहर निकलो, इसमें तो कुछ दिशा नहीं दिख रहा मुझे, लगता है मुझे आगे चलते रहना है।